हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल थर्ड दीदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जेसीबी आ गई है गणपति जी को ले जाने के लिए। नहीं, क्रेन है बेटा, ये क्रेन क्रेन से गणपति जी ऊपर बैठे हैं ना पंडाल में। हाँ। तो आज है विसर्जन, तो ये गणपति जी को उतारा जा रहा है उनको नीचे, और विसर्जन है हमारे इधर। और हमारे इधर विसर्जन 18 को हुआ था, और तो वही है विसर्जन है। और बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड है विसर्जन देखने के लिए, बट विसर्जन बहुत दूर होता है। तो हम लोग बस थोड़ी दूर तक गए थे, और मैं और अथर, और ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। पर बहुत अच्छे से यहाँ पे विसर्जन होता है, भव्य आयोजन होता है। मतलब बैंड नगाड़ों के साथ गणपति जी का विसर्जन करते हैं लोग यहाँ पे। तो गाइस, गणपति जी हमारे जा रहे हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस, यहाँ पे गणपति जी को नीचे उतारने में, यहाँ से पंडाल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, इसकी वजह से विसर्जन लेट हो गया। और तो देखिए कितना मुश्किल से थोड़ा हो रहा था यहाँ से गणपति जी। पहले यहाँ पे उनके सारथी को उतारा गया, फिर घोड़े को उतारा गया, फिर गणपति जी को उतारा गया। पर कहते हैं ना कि कोशिश करते हैं तो काम हो ही जाता है, तो ऐसा यहाँ था। और बहुत ही सावधानी से इन लोगों ने गणपति जी को नीचे उतारा, फिर विसर्जन। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 2 घंटे लग गए थे समथिंग यहाँ पे, तो तब भी काम हो गया अच्छे से। गणपति जी का अच्छे से विसर्जन हुआ, और धूमधाम से उनका विसर्जन हुआ। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि अगले साल फिर से आए गणपति जी, और इसी तरह से हमारे मोहल्ले में धूमधाम मची रहे। तो गाइस, अभी 15 दिन तक थोड़ा शांति हो जाएगा मोहल्ले में, इसके बाद फिर आने वाला है नवरात्रि, और नवरात्रि में भी फिर माता रानी आएंगी, फिर इसी तरह धूमधाम मची रहेगी। उसका भी वीडियो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं कि फाइनली कैसे गणपति जी उतरे क्रेन से, मतलब ट्रेन के थ्रू यहाँ से उतारा गया। मेहनत बहुत लग रही थी उतारने में, तो पर देखिए इजीली तो नहीं होता कोई भी काम, पर मेहनत किए और अच्छे से उतारे। तो चलिए, पूरा हम और बाकी वीडियो आपके साथ ओरिजिनल ऑडियो के साथ शेयर करेंगे, बैंड नगाड़ों के शोर के साथ, और आपको साथ शेयर करेंगे। विसर्जन तक का पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर ले जाके विसर्जन करने वाले थे और हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि दूर था, 15 किलोमीटर चलना हम लोग के लिए आसान नहीं था, और बच्चे को लेके। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं पूरा विसर्जन आपको, आगे का जितना तक हम लोग गए वहाँ तक का विसर्जन आपके साथ शेयर करते हैं।
गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी दूर तक पैदल चला, और देखिए ऐसे हम लोग यहाँ से घूम के आए हैं, पूरा राउंड मार के आए हैं। तो यहाँ पे हमारे गणपति पप्पा विराजमान थे और ये पंडाल को सूना करके चल दिए, पर कोई बात नहीं, अगले साल फिर से आना गणपति जी, और इसी तरह धूमधाम से हम फिर आपका स्वागत करेंगे। तो गाइस बस इतना था हमारा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अथर वहाँ पे पढ़ाई करते करते वहाँ से बोल रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अथर बोलो गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस बाकी सब लोग गए थे, हम लोग बस नहीं जा पाए वहाँ तक, क्योंकि यहाँ से अभी इनको 10 किलोमीटर जाएंगे फिर वापस आके और विसर्जन करेंगे। तो इसकी मतलब इसलिए हम लोग नहीं गए, क्योंकि बच्चा है छोटा है, उसको लेके जाना पॉसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, ट्रैफिक भी था, तो रास्ते में क्योंकि मेन रोड में अब हम लोग आ चुके हैं, इसकी वजह से हम लोग सोचे कि नहीं चलते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहीं पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर, गणपति पप्पा मोरिया।